गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस दिस इज जीके क्लास एंड टुडे वी विल डिस्कस टू टॉपिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कुक ऑन पेज नंबर 17 एंड देन स्टेइंग अलाइव पेज नंबर 18 एंड 19 इन योर बुक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक. लेट्स कुक स्टूडेंट्स. दिस इज द मैक्रोनी सैलड. Today's dish is macaroni salad. This is the nutritious snack that can be made in minutes. ये सब इसको बहुत जल्दी से बना सकते हो और अपने आप बना सकते हो. So note down the first of all ingredients. So students, ingredients means जो इसमें आपने सामान यूज करना है, means जो आपको इसमें चीजें चाहिए. First of all, 1 cup macaroni. आपको first of all 1 cup ले लेना है, जिसकी measurement आप करेंगे वो कप भर के आपने मैक्रोनी का लेना है एंड उसको एक पैन में पानी डालकर बॉयल कर लेना है. ठीक है, बॉयल्ड मीन्स बॉयल करके आप उसको सेफली रख दीजिए ठंडा होने के लिए. आफ्टर देन सेकंड थिंग जो दैट इज द 1 cup ऑफ कॉर्न. कॉर्न पता है ना आपको, मक्की के जो दाने होते हैं, स्वीट कॉर्न भी हो सकती है, कॉर्न भी हो सकते हैं. 1 cup कॉर्न, उसको भी आपने बॉयल कर लेना है पानी में. राइट, नेक्स्ट जो थर्ड थिंग है दैट इज 1/4 cup कैप्सिकम चॉप्ड. बिल्कुल बारीक बारीक काट लीजिएगा कैप्सिकम को. मिर्च होती है ग्रीन रेड, इसमें 3-4 कलर की आती है, जो भी आपको पसंद हो आप उसमें ले सकते हो. ओके, 1/4 cup. ओके, उसको मेजर करके इसको भी आप साइड में रखते जाओ. देन 1/4 cup कैरेट चॉप्ड. कैरेट, यू नो, कैरेट को भी आप चॉप करके रख लेना और 1/4 करके इसको मेजर कर लेना. देन 1/4 cup सॉल्ट. पीनट्स, पीनट्स होते हैं जो मूंगफली के दाने होते हैं और वो आपको सॉल्टेड मिल जाते हैं मार्केट से, वो भी 1/4 cup चाहिए आपको. एंड 1/4 cup पाइन एप्पल पीसेस. पाइन एप्पल दिस इज अ फ्रूट. ओके, इसको भी आपने चॉप कर लेना है और 1/2 cup लेना है इसको. राइट, ये कैरेट, कॉर्न, कैप्सिकम, पाइन एप्पल, दीज ऑल आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिशियस है ये सब चीजें, और इसमें मिनरल्स, विटामिंस, तो ये सब चीजें आपने इसमें ऐड करनी है. ओके, आफ्टर देन है मेयोनीज. मेयोनीज 2 tablespoons. मेयोनीज के आपको एक पैकिंग मिल जाती है मार्केट से, ये आपके टेस्ट के लिए है. ओके, 2 tablespoons आपने इसमें मेयोनीज की क्रीम को ऐड करना है. और देन है सॉल्ट. सॉल्ट आपको अपने अकॉर्डिंगली लेना है, जितना आप खाते हो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. देन शुगर. शुगर लेनी है आपको 2 tablespoons. ओके, ये पीसी हुई लेनी है आपको, इसको भी आप घर में मिक्सचर में पी सकते हो. देन ब्लैक पेपर, ये भी आपकी बारीक कुटी हुई टू अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. राइट, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स. आप ये सारी जो सामग्री है इसको इकट्ठा कर लीजिए. अब हम बनाएंगे मैक्रोनी. फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स बॉयल्ड मैक्रोनी, बॉइल्ड कॉर्न एंड ओल्ड वेजिटेबल. एक बाउल ले लेना बहुत बड़ा और उसमें आपने जो आपने बॉयल की है मैक्रोनी उसको आप उसमें ऐड करो. देन ऐड बॉइल्ड कॉर्न, देन ऑल वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स में क्या क्या था? वेजिटेबल्स में कैप्सिकम, ओके, कैरेट, और फ्रूट्स भी इसी में ऐड कर सकते हो आप, पाइन एप्पल. ओके, ये सब आप इसमें ऐड कर दो, मिक्स कर दो. राइट, इसी बाउल में ही अभी आपने ऐड करना है आप सॉल्टेड पीनट्स. पीनट्स जो आपको मैंने कहा था मार्केट से आपको मिल जाते हैं. राइट, तो ये पीनट्स भी अब आप इसी में मिक्स कर देंगे. मिक्स सॉल्टेड पीनट्स, देन ऐड मेयोनीज, शुगर, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर और ब्राउन पेपर, जो भी आप यूज करते हो. राइट, अब इसमें आप इसी बाउल में ही मैं मेयोनीज ऐड कर दो 2 tablespoons, देन 2 tablespoons शुगर पीसी हुई और अकॉर्डिंग टू योर, मतलब सॉल्ट जो है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, एंड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट पेपर, इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर दो. ओके, एंड अच्छे से इसको मिक्स कर दो बड़े स्पून के साथ. और नाउ योर मैक्रोनी सैलड इज रेडी. नाउ यू कैन टेक, इसको आप ले सकते हो, खा सकते हो. राइट, इसको आप सब लोग आज ट्राई करना. ओके, नेक्स्ट टॉपिक
ये मैक्रोनी क्या, देखो पिक्चर आपकी इस तरह से आपकी मैक्रोनी रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टेइंग अलाइव, स्टेइंग अलाइव। सो स्टूडेंट्स, ओवर टाइम एनिमल हैव डेवलप्ड मेनी वेज टू स्टे अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स। मीन्स आपको पता है कि जो जंगल होता है उसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं और कुछ एनिमल्स इतने डेंजरस होते हैं कि वो दूसरे एनिमल्स को भी खा जाते हैं। तो अब हर एक एनिमल में कुछ ना कुछ उनकी स्पेशलिटी होती है जिसके थ्रू वो अपने आप को सेव करके रख सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक अपने आप को दूसरे जानवरों से बचा सकते हैं, ठीक है। और जो भी उनसे बड़े या उनसे डेंजरस और प्रेडेटर्स होते हैं, यानी कि कुछ जानवर होते हैं जो कि दूसरे छोटे छोटे जानवर को खा जाते हैं, एनिमल्स को खा जाते हैं, तो उनसे उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये उनमें कुछ ना कुछ स्पेशल एक फीचर है जो हर एक एनिमल में होता है। तो हमारे पास वही कुछ यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं जिनमें वो स्पेशल फीचर्स क्या हैं वो आज हम देखेंगे। सो एवरी क्रिएचर हैज टू वरी अबाउट बीइंग ईटन बाय प्रेडेटर्स दैट आर स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर। जितने भी यहाँ पर क्रिएचर है यानी कि जानवर हैं, उन सबको डर लगता है कि जो उनसे बड़े बिगर हैं, स्ट्रॉन्गर हैं और जो फास्ट है उनसे दौड़ने में वो, और जो जिनके दांत बहुत तीखे हैं और जो बहुत दरिंदे टाइप जानवर हैं उनको खा जाएंगे। सो बट दे हैव फॉर स्टेइंग अलाइव, बट फिर भी उनके पास कुछ ना कुछ ट्रिक्स हैं अपने आप को सेव करने के लिए। सो वी हैव सम ब्लू बॉक्स भी है लास्ट में, पेज नंबर 19 पे, द लास्ट यू कैन सी इन योर बुक्स, पेज नंबर 19, ओके, उसके लास्ट में आपके पास क्लू बॉक्स है। उस क्लू बॉक्स में सभी के आंसर्स हैं, बट अब आपको किसका आंसर कैसे देना है वो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट चेंजेस कलर विद द सीजन। In summer, it sports a brown coat that blends in with its surrounding. It loses its brown fur in fall. It grows white fur for winter. The snowshoe here. क्या होता है snowshoe here? ये देख लो, आपको दिख रहा होगा here, यानी कि खरगोश की तरह. Snowshoe here fur is a rusty brown in the spring and summer and white in the winter. Iske jo color hai wo change hote hain summer aur winter mein. So it also always has a gray underbelly and black on the tips, on edges of its ears and tail. So it has very large hind feet and dense fur on their soles. So the snowshoe hare ears are not as long as some other species of hare's ears. Iske jo ears hai wo dekho lambe lambe hote hain na, तो इसके ये बहुत तेज होते हैं, इसको दूर से ही पता चल जाता है, और ये अपने कलर भी चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सीजन, ठीक है। और इसके सराउंडिंग जो भी होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये अपना कलर चेंज कर सकता है। सो इट लूजेस इट्स ब्राउन फर इन फॉल, ये अपनी जो ब्राउन फर होती है उसको अपना, उसकी ये गिर जाती है और उसके बाद उसके ऊपर व्हाइट फर आ जाती है विंटर में, राइट। ये इसकी स्पेशलिटी है, स्पेशल फीचर है स्नो शू हियर। आंसर इज snowshoe here. You can write this answer in your notebook. Next point, it has a hard leathery armor shell covering most of its body. It rolls itself up into a ball and tucks its head and tail inside. Most predators can't find a place to sink their teeth. Who is that creature? Armadillo. Students, ये जो armadillo है, only one species or three banded armadillo can roll itself into a hard armored ball to defend itself against predators. Means जो predators होते हैं, जो दरिंदे जानवर होते हैं जो इनको खा जाते हैं या इनको मार देते हैं, तो
तो उन लोगों से बचने के लिए ये अपने आप को रोल कर लेता है एक बॉल की तरह, ठीक है। आर्मिडोलोस हैव पॉइंटली स्नाउट एंड लॉन्ग स्टिकी टंग, इनकी जो टंग होती है वो बहुत स्टिकी होती है, ठीक है, विच आर क्लोज कॉसिन्स, सो देयर आई साइट इज पुअर, सो दे हंट विद अ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल। अब इनकी आई साइट बिल्कुल ना के बराबर है, इनको इतना दिखाई नहीं देता, लेकिन इनकी जो सेंस है स्मेल की, मीन सूंघने की, यानी कि अपना ये जो भी खतरा होता है या डेंजर होता है इसको सूंघ के ये पहचान जाते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उस केस में ये अपने आप को रोल कर लेते हैं और एक बॉल की तरह बन जाते हैं और अपना हेड टेल जो है उसके बॉल के अंदर, यानी कि अपने स्टमक के अंदर डाल के एक गोल सी बॉल बन जाते हैं। और इस तरह से जो प्रेडेटर्स होते हैं, यानी कि जो दरिंदे लोग होते हैं, जानवर होते हैं, वो इनको फाइंड आउट ही नहीं कर पाते हैं कि इनको स्पॉन्सर इज आर्मेडिलो। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, इट डज नॉट हाइड, इट इज फ्लैशी एंड इट्स येलो कलर इज मेंट टू स्टैंड आउट एंड टेल्स द प्रेडेटर्स टू स्टे अवे और गेट स्टंग। ये आप सबके घरों में येलो कलर की होते हैं, और जब भी आप इनको पकड़ने लगो या इनको जब भी अपना लगता है कि कोई डेंजर है, कुछ खतरा है, तो ये जो है स्टंग कर देते हैं, यानी काट लेते हैं, इनका डंक होता है पीछे जो स्किन के अंदर चला जाता है और उसकी वजह से पेन होती है बहुत और स्वेलिंग भी हो जाती है और काफी दिनों तक वो स्वेलिंग रहती है, ठीक है। तो ये भी अपने आपको सेव करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इट लिव्स इन ग्रुप्स इन अंडरग्राउंड ब्यूरोस, व्हेन इट स्पॉट्स अ फोर इट क्राइज आउट अ वार्निंग दैट टेल्स इट्स नेबर्स टू हाइड। सो ये कौन होते हैं? मीरकैट्स। मिरकेट्स कौन होते हैं? मिरकेट्स लिव इन अ डेजर्ट, यू कैन सी इन द पिक्चर, पिक्चर में देखिए आप, ये सुपर क्यूट होते हैं विद बुशी ब्राउन स्ट्रिप्ड फर, अ स्मॉल पॉइंटेड फेस एंड लार्ज आईज सराउंडिंग बाय द डार्क पैचेस। आप देख रहे हो उनकी आंखें चारों तरफ पैचेस, सो दे एवरेज अबाउट 50 सेंटीमीटर्स लॉन्ग इंक्लूडिंग देयर टेल। सो दीज एक्सट्रीमली सोशल एनिमल लाइव टूगेदर इन ब्यूरोस, सो विच दे डिग विद देयर लॉन्ग शार्प क्लोज। ये अपने मिट्टी में खोद के ना उसके अंदर रहते हैं ये लोग, ठीक है। सो मिरकेट्स जो है वो मोस्टली डेजर्ट वगैरह में रहते हैं या ग्रास लैंड में रहते हैं, राइट। सो दे आर एक्सट्रीमली क्यूट, आपको मैंने जैसे बताया, आपको फेस से ही पता चल रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी ये इतनी जोर से क्राई करते हैं, चिल्लाते हैं, इनकी ये जो स्पेशलिटी है कि जो आसपास के बाकी जो नेबर होते हैं, यानी कि इनके जो साथ के जो और साथी होते हैं, उनको भी पता चल जाता है कि कोई कुछ ना कुछ डेंजर, वो भी अपने आप को छुपा लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, राइट। आंसर इज मीरकैट। ओके, and some temporary blindness. ये कौन होते हैं? Skunk. Skunk क्या होते हैं? Skunk is a small black and white animal which ये लोग करते हैं releases an unpleasant smelling liquid. कुछ इस तरह का ये liquid release करते हैं जिसमें से इतने ज्यादा smell आती है, unpleasant smell, जो smell आप सहन नहीं कर सकते, यानी कि irritate करने वाली smell होती है वो, इस तरह की smell वो
आती है उस लिक्विड में से, ताकि ये अपने आप को, जब भी इनको लगता है इट इज थ्रेटेंड और अटैक, इनको लग रहा है कि इनके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, या फिर ये डरे हुए हैं, या फिर इनके इनको लग रहा है कि कोई डर है, तो उस केस में इनके पास ये एक स्पेशल फीचर है कि वो इस तरह का एक लिक्विड रिलीज करते हैं जिसकी स्मेल लेना इजी नहीं होता और एक्सट्रीमली इरिटेशन हो जाती है उससे, जिसकी वजह से कई बार जो जो इनके ऊपर अटैक करने वाले हो या जो ऐसे लोग ब्लाइंड भी हो जाते हैं, इनको कुछ नजर भी नहीं आता, इतनी ज्यादा वो गंदी स्मेल होती है, राइट। तो ये कौन है पर्सन, ये एनिमल का नेम क्या है? स्कंक, ओके, SKUNK, स्कंक। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, इट ओपन्स इट्स माउथ एज वाइड एज इट कैन, द स्किन अराउंड इट्स नेक पॉप्स आउट लाइक एन अम्ब्रेला। ये क्या होते हैं, ये इनका जो माउथ है वो बहुत बड़ा ओपन हो सकता है, यानी कि इतना बड़ा माउथ ओपन कर सकते हैं ये लोग कि एक अम्ब्रेला की तरह नजर आता है फिर, ठीक है। इट हिसेस एंड विस्प्स इट्स लॉन्ग टेल अराउंड, दिस मेक्स इट लुक बिगर एंड स्केरियर देन यूजुअल। मीन्स ये अपने आप को इस तरह से बना लेते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा स्केरियर, यानी कि डरावने लगते हैं। कौन है ये? फ्रिल्ड लिजर्ड, राइट, फ्रिल्ड लिजर्ड। अब इसका नाम फ्रिल क्यों है, फ्रिल्ड क्यों है, क्योंकि ये फ्रिल कर लेती है अपने चारों तरफ, आप पिक्चर में देख सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिल लगी हुई है ना। तो दिस लिजर्ड गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फ्रिल अराउंड इट्स नेक, इसके नेक के चारों तरफ जो फ्रिल्स होती है, इसकी वजह से इसका नेम फ्रिल्ड नेक है। विच कैन एक्सटेंड व्हेन इट फील्स थ्रेटन्ड, ये को एक्सटेंड करती हैं जब ये डर महसूस करते हैं, इनको लगता है कि कहीं ना कहीं डेंजर है। सो द फ्रिल इज लाइटर इन कलर देन इट्स बॉडी एंड कैन आल्सो हैव ऑरेंज येलो एंड रेड पैटर्न ऑन इट, इसके ऊपर जो इतने सारे पैटर्न आप देख रहे हो पिक्चर में भी। सो दीज लिजर्ड्स हैव अ न्यू नेचुरल प्रेडेटर्स, लार्ज स्नेक्स, ओल्स या डेंगूज आर मोस्ट कॉमन प्रेडेटर्स, इसके जो खतरे हैं या जो इनके ऊपर अटैक करते हैं उन, ये स्नेक्स वगैरह होते हैं, आउल्स होते हैं या डेंगूज होते हैं, तो इस तरह से ये लोग उनसे अपने आप को सेव कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट्स क्विल्स जैब एंड अटैकर एंड ब्रेक ऑफ फ्रॉम इट्स बॉडी, इंस्टेड ऑफ अ मील द प्रेडेटर गेट्स अ फेस फुल ऑफ क्विल्स, यू कैन सी इन द पिक्चर, पिक्चर में आप देखोगे तो इनके क्विल्स हैं। ये कौन है? परक्यूपाइन। परक्यूपाइन कौन होते हैं? ये जो एनिमल होते हैं इनके चारों तरफ क्विल्स लगे होते हैं, कांटे की तरह होती है इनकी पूरी स्किन, यानी कि इट हैज ब्लैक टू ब्राउनिश येलो फर एंड स्ट्रॉन्ग शॉर्ट लेग्स, इट हैज हेयरलेस सोल्स ऑन इट्स फीट, फीट पे इनके कोई हेयर नहीं होते, दैट हेल्प्स इट क्लिम ट्रीज, इस तरह से वो पेड़ पे झट से चढ़ जाते हैं। और इट हैज अ राउंड बॉडी, स्मॉल ईयर्स एंड स्मॉल हेड, द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल फीचर क्या है इनका, दैट इज द इट्स क्विल्स, जो इनके कांटेदार इनकी स्किन के ऊपर बने हुए हैं। तो जो इनके क्विल्स है ना, ये अगर कोई इनके ऊपर अटैक करता है, अटैकर जो है उसको भी चुप जाते हैं, मींस उसके पिंच की तरह चुप जाते हैं, ब्रेक ऑफ फ्रॉम इट्स बॉडी, उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। सो Instead of meal, the predators gets a face full of quills. आप देखो कि इसका फेस जो है वो भी quills से पूरी तरह भरा हुआ है, तो predators जो है वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, इनको खा ही नहीं पाते, ये आप देख सकते हो फेस भी उसका quills से पूरा फिल है। Porcupine. नेक्स्ट एट्थ पॉइंट, दे लिव इन लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड हर्ब्स, देयर स्ट्रिप्स मेक द रनिंग हर्ड लुक लाइक अ जेंट ब्लैक एंड वाइट ब्लर, प्रेडेटर्स हैव अ टफ टाइम कैचिंग अ बिग फास्ट ब्लर। कौन है ये? ज़ेब्रा। तो इनकी क्या क्वालिटी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हो उनकी पिक्चर, दे लिव इन लार्ज ग्रुप, सबसे पहली बात तो ये झुंड में रहते हैं और अकेला नहीं रहते, इकट्ठे रहते हैं। सो जो इनके स्ट्राइप्स होती हैं आप देख रहे हो, इनकी लाइंस लगी हुई हैं, मेक अ रनिंग हर्ड लुक लाइक अ जेंट ब्लैक,
एंड वाइट ब्लर, वाइट और ब्लैक कलर में. सो जो प्रेडेटर्स होते हैं वो इनको बहुत ही मुश्किल हो जाती है, जैसे कि लॉयन, टाइगर या इस तरह के जो एनिमल्स हैं, वो इनको जब इनको पकड़ते हैं तो इनकी स्पीड जो है बहुत फास्ट होती है. ठीक है, तो वो ये अपनी स्पीड की वजह से जो है अपने आपको सेव कर. नेक्स्ट, इट पुल्स इट्स हेड एंड लेग्स इनसाइड इट्स हार्ड शेल दैट मेक्स इट ट्रूली हार्ड टू ईट. तो यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज अ टर्टल. कौन है ये? टर्टल. टर्टल क्या करते हैं, जब भी इनको डेंजर लगता है तो ये इट पुल्स इट्स हेड एंड लेग्स इनसाइड, ये अपना हेड और लेग्स को अपने अंदर ही इनसाइड यानी कि अंदर कर लेते हैं और मेक्स इट ट्रूली हार्ड. इनको खाना इजी नहीं होता क्योंकि इनकी जो तो इनको कोई भी खा नहीं सकता, सिर्फ इनका फेस जो है और वो सॉफ्ट होती है और उसको ये अपने अंदर इनसाइड छुपा लेते हैं, जिसकी वजह से इनको कोई नहीं डेंजर कर सकता, यानी कि कोई खतरा नहीं है इनको और इनको कोई नहीं खा सकता. राइट, दीज आर टर्टल. ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज दीज टॉपिक्स, ठीक है, and fill the correct answer in your books. Thank you students. Have a nice day. Stay safe, stay at home.